हेलो दोस्तों, मैं हूं राहुल मिश्रा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल, बहुत ज्यादा खास है। अगर आप एक नए कार को परचेज करना चाहते हो तो प्लीज वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में बताऊंगा टॉप 5 कार्स जो कि अभी हाल फिलहाल 2024 में लॉन्च होने वाला है। कुछ तो भाई इसी महीने में लॉन्च होगा और कुछ मिड में 2024 के लॉन्च हो जाएगा। साथ ही साथ पांचवें नंबर पे जो कार है ना, बहुत ज्यादा स्पेशल कार है और इसका इंतजार यार पूरे इंडिया कर रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं पहले लॉन्चिंग की तरफ, जो की है हुंडई की क्रेटा। मैं आपको बता दूं, हुंडई की क्रेटा अभी इसी महीने अनवील हो जाएगा 16 जनवरी को। और साथ ही साथ इस कार में अब एकदम नए सा एकदम रिफ्रेशिंग लुक आपको मिल जाएगा। फ्रंट की बात करें तो फ्रंट में एकदम फ्रेश ग्रिल आपको मिलेगा, साथ ही साथ फुली एलईडी हेडलाइट का सेटअप मिल जाएगा, डे टाइम रनिंग लाइट भी मिलेगा। साथ ही साथ रियर में भी काफी ज्यादा चेंजमेंट आपको मिलेगा, रियर में भी जो टेल लाइट का सेटअप है काफी ज्यादा चेंजमेंट कर दिया है। अंदर की बात करें तो इंटीरियर में आपको फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल मिल जाएगा, जो कि अभी तक क्रेटा में मिसिंग था। साथ ही साथ इस कार में आपको अब 360 डिग्री कैमरा का सेटअप मिल जाएगा। बात करें सिक्योरिटी फीचर का तो इसमें आपको मिल जाएगा अडास लेवल 2, नया पावरफुल इंजन मिल जाएगा 1.5 लीटर का टर्बो चार्ज पेट्रोल इंजन, जो कि बहुत अच्छा खासा आउटपुट आपको देगा पावर का। साथ ही साथ प्राइस की बात करें तो इसका स्टार्टिंग प्राइस आपको देखने को मिलेगा 11 लाख रुपए से लेके 12 लाख रुपए एक्स शोरूम कीमत। तो दूसरे नंबर पे है महिंद्रा की XUV300, जो की काफी टाइम से सेम टू सेम डिजाइन में आ रहा था। ये वाला कार अब एकदम फ्रेश लुक में आएगा, फ्रंट और रियर में एकदम ज्यादा चेंजमेंट कर दिया है। आप कैमफ्लाइज पोजिशन में देख सकते हैं, फोटो टेस्टिंग वगैरह महिंद्रा कर रहा है। बहुत जल्द ये भी कार लॉन्च हो जाएगा फरवरी महीना में और बढ़िया कार है। अगर आप एक कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट की कार देख रहे हैं जिसका बजट लगभग 10-12 लाख रुपए के आसपास हो, तो ये कार आपके लिए बेहतर विकल्प हो सकता है। अब बढ़ते हैं तीसरे नंबर की कार की तरफ। तो तीसरे नंबर पे भाइयों टाटा के तरफ से आने वाली ऑल न्यू कर्व। मैं आपको बता दूं, कर्व का डिजाइन यार पर्सनली देखने से सिडान लगता है, लेकिन है ये एसयूवी सेगमेंट की कार और इसका मेन कंपटीशन भाइयों हुंडई की क्रेटा और साथ ही साथ सेल्टोस वगैरह के साथ है। बहुत जबरदस्त लुक है यार, कहीं ना कहीं नेक्सॉन उससे इसका जो मिड वाला डिजाइन है देखने से सिमिलर लग रहा है। फ्रंट में आपको फुली एलईडी हेडलाइट का सेटअप मिल जाएगा, रियर में आपको कनेक्टेड टेल लाइट का सेटअप मिल जाएगा, जो कि काफी ज्यादा एडवांस लगेगा। अंदर में आपको फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल मिलेगा, अच्छा खासा इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा, एक अडास का भी फीचर इसमें मिलेगा, 360 डिग्री कैमरा भी इसमें मिलेगा, एयर प्यूरिफायर भी मिल जाएगा आपको इस कार में, सनरूफ भी मिल जाएगा, साथ ही साथ वायरलेस कनेक्शन वगैरह भी मिल जाएंगे। तो बढ़िया बात है, अच्छा विकल्प हो सकता है आप लिए कार। बात करें इंजन का तो मैं आपको बता दूं, इनिशियली टाटा इसको इलेक्ट्रिक इंजन के साथ लॉन्च करेगा, उसके बाद इसमें आईसी जो कि पेट्रोल इंजन 1.2 लीटर का रहेगा। बात करें इलेक्ट्रिक के रेंज का तो लगभग 500 किलोमीटर के आसपास इसमें आपको रेंज देखने को मिल जाएगा, जो कि बढ़िया बात है। अब प्राइसिंग क्या रहेगा, तो प्राइसिंग का मैं आपको बता दूं, इस कार का प्राइस इलेक्ट्रिक वाले का 20 लाख के आसपास रहेगा, पेट्रोल इंजन का तो लगभग 11-12 लाख रुपए शोरूम कीमत से स्टार्ट होगा। अब बढ़ते हैं चौथे नंबर की कार की तरफ, जो की है मारुति सुजुकी की स्विफ्ट। मैं आपको बता दूं, मारुति सुजुकी की स्विफ्ट यार लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आता है, काफी लोकप्रिय कार है और यार सिटी ड्राइव के लिए बहुत ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि यार किसी भी ट्रैफिक एरिया में आप इजीली चले जा सकते हैं। इसका साइज भी कॉम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा, हालांकि लेंथ वगैरह नहीं, लेकिन विड्थ और हाइट में आपको थोड़ा बहुत चेंजमेंट देखने को मिलेगा, जिससे और ज्यादा स्टाइलिश लगेगा। साथ ही साथ माइलेज अब यार बहुत ज्यादा, वैसे भी मारुति सुजुकी माइलेज के लिए जाना जाता है, तो माइलेज और ज्यादा देगा। 6 एयरबैग्स भी मिलेंगे, तो सिक्योरिटी वाइज भी बहुत ज्यादा बढ़िया रहेगा। बात करें इंजन का तो ऑल न्यू इंजन मिल जाएगा, जो की 3 सिलेंडर नेचुरल एस्पिरेटेड 1.2 लीटर का मिल जाएगा इंजन, जो की रहेगा जेट सीरीज में एकदम नया, और इसका आउटपुट लगभग 82 BHP के आसपास पावर देगा, 104-105 Nm का आपको टॉर्क मिल जाएगा। इस साल के मिड में ये लॉन्च हो जाएगा, बढ़िया कार है ये। अब बढ़ते हैं अपने लिस्ट के पांचवें नंबर के कार की तरफ, जो कि बहुत ज्यादा लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, तो ये है महिंद्रा थार 5 डोर। थार का जो 5 डोर है बहुत दिनों से स्पॉट किया जा रहा, टेस्टिंग काफी ज्यादा इसको महिंद्रा कर रहा है पहाड़ियों में इधर उधर, काफी प्रैक्टिकल कार रहेगा। थार 4x4 जो भी रिसेंटली आ रहा है 4x2, तो उसमें 3 डोर है तो उतना प्रैक्टिकल नहीं है, बूट स्पेस भी कम है, रियर पैसेंजर्स के लिए हमेशा मतलब वही को ड्राइवर को उठना पड़ता है। ऐसे में महिंद्रा का जो थार आएगा ना एकदम बवाल मचा देगा, और वास्तव में बहुत जबरदस्त कार होने वाला है। इसमें आपको मिल जाएगा आप सनरूफ, फ्रंट और रियर में बम्पर वगैरह का डिजाइन थोड़ा बहुत चेंजमेंट देखने को मिलेगा, फ्रेश इसका ग्रिल मिल जाएगा, तो हेडलाइट यहाँ पे नया आपको एलईडी में मिल जाएगा, साथ ही साथ इंटीग्रेटेड सर्कुलर आपको डे टाइम रनिंग लाइट का सेटअप मिल जाएगा, जो की काफी ज्यादा प्यारा लगेगा। यार इंजन की बात करें तो यार यही वाला इंजन कैरी फॉरवर्ड करेगा, हालांकि 5 डोर आपको 4x4 और 4x2 दोनों में अवेलेबल मिल जाएगा, अभी जो करंटली 3 डोर आ रहा है सेल होते रहेगा। तो लगभग 20 लाख रुपए के आसपास इसका प्राइस रहेगा एक्स शोरूम। इस कार का लॉन्चिंग लगभग इस साल मिड तक ये लॉन्च हो जाएगा। आशा करते हैं वीडियो को अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और शेयर कर दीजिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।